You know what the problem about portrait modes is? They are just so much unreal. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कैमरास के इन्हीं पोर्ट्रेट मोड्स के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि आपको फोटोग्राफी में क्यों पोर्ट्रेट मोड्स अवॉइड करने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मोबाइल कैमरास का जो पोर्ट्रेट मोड्स होता है वो बहुत हद तक पोस्ट प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है. सो क्या होता है कि जब एक पोर्ट्रेट मोड से हम कोई एक फोटो क्लिक करते हैं सो वो बहुत डिटेल्स मिस हो जाते हैं. वो स्ट्रक्चर शार्पनिंग वो ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते हैं उस मोड में. लेकिन वही फ्रेम अगर हम लोग नॉर्मल मोड से क्लिक करें सो आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा डिटेल्स उसने कैप्चर किया है एंड बहुत अच्छा डायनामिक रेंज भी है. बेसिकली एक अच्छा बैलेंस होता है. हाँ, आपको शायद वो डेप्थ ऑफ फील्ड पोर्ट्रेट मोड के जैसा नहीं मिले, लेकिन फ़ायदा ही क्या है अगर पोर्ट्रेट मोड्स का, अगर वो डेप्थ ऑफ फील्ड हमें नेचुरल नहीं लगता, देखने में बहुत ही एक अनरियल लगता है. सो शायद थोड़ा कमी हो डेप्थ ऑफ फील्ड नॉर्मल मोड में, लेकिन वो एक नेचुरल लुक देता है एंड वो टिपिकली पूरे लेंस से आता है. उसमें ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग एंड ज़्यादा ये जुगाड़ नहीं यूज़ होता. सो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा नॉर्मल मोड से क्लिक कीजिए. थोड़ा आपको ब्लर कम देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से आपका शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट एंड डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है एंड आपके मोबाइल फोटोग्राफी में बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाएगा अगर आप पोर्ट्रेट मोड्स को इग्नोर करें एंड अवॉइड करें. चलिए, आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ही लो एंड का DSLR भी एक बहुत ही फ्लैगशिप लेवल फ़ोन से एक बहुत ही तगड़ी पिक निकाल लेता है? सो ये जो पूरा जो खेल है वो है सेंसर्स का. मोबाइल कैमरास के जो सेंसर्स हैं वो डायमीटर में बहुत ही छोटे होते हैं. भले ही मोबाइल कैमरास में आज 4 कैमरा सेटअप आ जाए, 5 कैमरा का सेटअप आ जाए, लेकिन फिर भी उनके जो सेंसर्स हैं वो बहुत छोटे हैं डायमीटर में. जैसे आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में ये जो सेंसर है बेसिकली बहुत ही छोटा है, लेकिन जो DSLR का जो सेंसर होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है. सो वो जो जितना बड़ा सेंसर होगा उतना ज़्यादा वो पिक्सल्स कैप्चर कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो छोटे छोटे डिटेल्स को रख पाएगा. पूरा जो सेंसर है जितना बड़ा होगा उससे आपका फोटो का क्वालिटी उतना ही अच्छा हो जाएगा. सो मैं हमेशा से एक सोचता रहता हूँ कि इतना 4 कैमरा सेटअप, 5 कैमरा सेटअप, 6 कैमरा सेटअप भी आने वाला है. सो इतना कैमरास को नहीं बढ़ा के अगर हम लोग मोबाइल के कैमरास को अगर और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनाना है तो सेंसर्स पे काम करना चाहिए. सेंसर्स के साइजेस को बढ़ाने के लिए कुछ नया टेक्नोलॉजी आना चाहिए जिससे मोबाइल कैमरास में भी थोड़े बड़े सेंसर्स यूज हो पाए ताकि फोटो क्वालिटी बहुत अच्छे एंड ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकते हैं सिर्फ सेंसर्स को अगर हम लोग थोड़ा डायमीटर में बढ़ा हो. सो मैं चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो ताकि मोबाइल कैमरास को ज़्यादा बढ़ाने से प्रायोरिटी हम लोग मोबाइल के सेंसर्स को, मोबाइल कैमरास के सेंसर को बड़ा करने में दें. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जितना ज़्यादा सेंसर बड़ा होगा उतना ज़्यादा डिटेल्स अच्छा होगा, उतना ज़्यादा फोटो का क्वालिटी अच्छा होगा. सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके रेड बटन को ज़रूर दबा देना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.